हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू करी थी और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा, दैट इज़ कम्युनिटी। सोशियोलॉजी में कम्युनिटी क्या होती है, व्हाट इज़ कम्युनिटी, व्हाट इज़ इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी लिव इन द सोसाइटी, हमें पता है हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। तो एक सोसाइटी में जिसको कि मैंने पहले भी आपको बताया है सोसाइटी क्या होती है, वीडियो बनाई है, आप जाएं देखें उसको अगर आपको सोसाइटी क्या होती है इसका पता ना हो। तो मेरे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो सोसाइटी है, एक सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट रिलीजन्स के हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट क्रीड के हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेलिटी से हो सकते हैं। तो जो ये लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, वो अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ एक ग्रुप्स बना लेते हैं। अर्थात जैसे जो हिंदू होंगे वो हिंदुओं के साथ मिलकर अपना ग्रुप बना लेंगे, जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम के साथ मिलकर अपना ग्रुप बना लेंगे, जो क्रिश्चियन होंगे वो क्रिश्चियन के साथ मिलकर अपना ग्रुप्स बना लेंगे, वैसे ही जो SC ST कम्युनिटी के होंगे वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर ग्रुप बना लेंगे। और इन्हीं ग्रुप्स को जिन लोगों की आपस में एक जैसी फीलिंग्स होती हैं, एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, इन्हीं के ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी। हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। तो मेरे स्टूडेंट्स, जो कम्युनिटी है, इट इज़ आल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इट इज़ आल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। एंड इन द सोशियोलॉजी वी डिस्कस अबाउट द टर्म कम्युनिटी, ये कम्युनिटी क्या होती है। मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि कम्युनिटी बेसिकली लोगों का ही समूह है जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं और जिनकी एक जैसी फीलिंग होती है। तो आप इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ लिख सकते हो, आप ये सब कुछ मेंशन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो अब मैं शुरू करूँगा मीनिंग के साथ कि मीनिंग क्या होता है, इस कम्युनिटी टर्म का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म कम्युनिटी। तो मेरे स्टूडेंट्स, जो टर्म कम्युनिटी है दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू लेटिन टर्म। जो वर्ड कम्युनिटी है ये दो लेटिन टर्म से मिलकर बना है। पहली जो लेटिन टर्म है वो है कॉम। फर्स्ट लेटिन टर्म इज कॉम एंड सेकंड इज मुनीस। एक है कॉम एक है मुनीस। अगर मैं कॉम की बात करूँ तो इसका मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठे। और मुनीस का मतलब होता है सर्व। कौम का मतलब है टुगेदर और मुनीस का मतलब होता है सर्व। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, इफ वी कंबाइन दिस टू टर्म्स कौम एंड मुनीस, तो इट विल मीन टू सर्व टुगेदर। तो जो टर्म कम्युनिटी है ये लेटिन टर्म कॉम और मुनिस से बना है। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और मुनिस का मतलब होता है सर्व। देयरफॉर अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों टर्म्स को, तो
कम्युनिटी का मतलब होगा टू सर्व टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कम्युनिटीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स who come together for serving together। क्या बोला मैंने आपको, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर फॉर सर्विंग टुगेदर। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी लोगों का समूह है। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी लोगों का समूह है। कम्युनिटी एक लोगों का समूह है जिसमें लोग इकट्ठे आते हैं। क्यों आते हैं, इकट्ठे सर्व करने के लिए, इकट्ठे सर्व करने के लिए। मेरे स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, आपको बड़ा आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। मैं आपको इजी वे में बिल्कुल बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स क्या होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी एक ऐसा लोगों का समूह है जिसमें लोग इकट्ठे आते हैं आगे फॉर सर्विंग टुगेदर, फॉर सर्विंग टुगेदर। आप एक और चीज़ लिख सकते हो कम्युनिटी, आप एक और चीज़ लिख सकते हो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग बी फीलिंग, हैविंग बी फीलिंग। कम्युनिटी लोगों का समूह है जिनके अंदर वी फीलिंग होती है, दिस इज मेन टर्म, जिनके अंदर वी फीलिंग होती है। तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी क्या होती है, ये लोगों का एक ऐसा समूह है जिन लोगों में आपस में वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, इकट्ठे काम करने की भावना होती है। वो जो आपस में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, एक जैसे गोल होते हैं, एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं, उन लोगों के समूह को कम्युनिटी बोला जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिख कम्युनिटी। अब जो सिख कम्युनिटी के लोग होंगे वो सारे सिख धर्म को मानेंगे, वो सारे सिख धर्म को फॉलो करेंगे। उन सभी का अपना कॉमन इंटरेस्ट होगा, एक जैसे उनके इंटरेस्ट होंगे, उनके एक जैसे गोल होंगे, उन गोल को अचीव करने के लिए वो इकट्ठा काम करेंगे। दे विल सर्व टुगेदर फॉर अचीविंग द गोल। दिस इज सिख कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होगा, मुस्लिम लोग होंगे, वो दोनों सभी लोग जो है मुस्लिम, वो आपस में इकट्ठे आएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दे विल सर्व टुगेदर वाई सो फॉर अचीविंग सम इम्पोर्टेंट गोल्स। वो गोल्स कैसे होंगे, उनके अपने गोल होंगे, तो वो होगी मुस्लिम कम्युनिटी। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो इकट्ठे आएंगे, उनके कॉमन गोल होंगे, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, उनके अंदर वी फीलिंग होगी, हम की भावना होगी, और वो अपना ये अचीव करने के लिए पर्पस को इकट्ठे काम करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इकट्ठे आते हैं, दोज हु कम टुगेदर फॉर सर्विंग टुगेदर, एक साथ काम करने के लिए, एक साथ सर्व करने के लिए, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इकट्ठे काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, SC/ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी, जनरल कम्युनिटी, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। ये कम्युनिटीज़ कैसे बनी, सिख कम्युनिटी कैसे बनी, सभी सिखों को मिलाकर, जिनके कॉमन इंटरेस्ट थे, कॉमन गोल थे, कॉमन इंटरेस्ट थे, उनके अंदर वी फीलिंग थी, हम की भावना थी,
आई फीलिंग नहीं होती, मैं की भावना नहीं होती, हम की भावना होती है। हम सिख, हम मुस्लिम, हम क्रिश्चियन, हम की भावना उनमें होती है। वो इकट्ठे हम की भावना के अनुसार काम करते हैं, तो वो होती है हमारी कम्युनिटी। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन किसने दी है। तो अब हम कम्युनिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे स्कॉलर हैं, एक सोशोलॉजिस्ट हैं, बोगार्डस, इन्होंने क्या बोला है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। देखो, दिस इज मेन टर्म, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप है, लोगों का समूह है, सोसाइटी में लोगों का एक ग्रुप है, विद द सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जिनके अंदर हम की भावना होती है, एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, और जो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में रहते हैं। क्या बोलते हैं बोगार्डस, क्या बोलते हैं हमारे बोगार्डस जी, कि कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दोज हुम देर इज अ वी फीलिंग, जिनके अंदर वी फीलिंग होती है। वट इज कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, लोगों का समूह है, विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, जिनके अंदर हम की भावना होती है, और जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे बोगार्डस ने दी थी। तो आई होप आपको कम्युनिटी क्या होती है ये समझ आ गया होगा, कम्युनिटी क्या होती है आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपली मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टर्म कम्युनिटी है वो लैटिन टर्म से ली गई है। लैटिन टर्म एक कॉम है, दूसरी मुनीस है। कॉम का मतलब टुगेदर एंड मुनीस का मतलब सर्व। देयरफॉर कम्युनिटी का मतलब सिंपल क्या होता है, टू सर्व टुगेदर, अर्थात जब कुछ लोग इकट्ठे आते हैं, एक दूसरे को के साथ इकट्ठे सर्व करने के लिए आगे आते हैं, उनके अंदर हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है, तो उसको हम कम्युनिटी बोल देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स बोल लो या आप फीचर्स बोल लो ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, फीचर्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले फीचर क्या होती है, एक डेफिनेट लोकेलिटी। सबसे पहले फीचर क्या होती है, एक डेफिनेट लोकेलिटी, एक डेफिनेट लोकेलिटी। देखो स्टूडेंट्स, एक कम्युनिटी को बढ़ने के लिए, कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक एरिया, एक डेफिनेट लोकेलिटी जहाँ पे वो लोग रहेंगे। अगर लोकेलिटी नहीं होगी प्रॉपर तो कम्युनिटी नहीं बन सकती। अगर एरिया नहीं होगा, लैंड नहीं होगी, तो कम्युनिटी कैसे बनेगी। मान लो कोई एरिया खाली पड़ा हुआ है, उस खाली एरिया में कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे कम्युनिटी नहीं बोलेंगे हम उस एरिया को। तो बोलने मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जहाँ पे लोग रहेंगे, जहाँ पे लोग निवास करेंगे अपना, उनको रहने के लिए एक एरिया चाहिए, एक स्थान चाहिए, एक प्लेस चाहिए। तो पहला एसेंशियल क्या बनता है आपका कम्युनिटी का, या पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बनता है, अ डेफिनेट लोकेलिटी। वी नीड अ डेफिनेट लोकेलिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कम्युनिटी। द पीपल ऑफ कम्युनिटी दे लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर लोकेलिटी। लोकेलिटी की बेस पे कम्युनिटीज बहुत सारी होती हैं, आपने सुना होगा ये ST कम्युनिटी है, ये यहाँ पे हिमाचल के इस एरिया में रहते हैं, जो लोग किन्नौर एरिया में, वो सभी ST कम्युनिटीज़ में आते हैं। उनको ST माना जाता है, शेड्यूल ट्राइब माना जाता है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, सुना होगा आपने। तो सबसे पहला इसेंशियल बनता है कि एक डेफिनेट लोकेलिटी होनी चाहिए कम्युनिटी को बनाने के लिए। दूसरा, अगर हमारे पास डेफिनेट लोकेलिटी हो जाती है तो हमें वहाँ पे उस लोकेलिटी के अंदर रहने वाले लोग भी चाहिए। दूसरा एसेंशियल बन जाएगा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो, जो दूसरे इसेंशियल एलिमेंट है हमारा कम्युनिटी का, वो क्या है, कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का समूह है। कम्युनिटी लोगों का समूह है,
अगर डेफिनेट टेरिटरी कोई है, डेफिनेट लोकेलिटी कोई है, पर उस लोकेलिटी में लोग रहते ही नहीं हैं, लोग वहाँ पे हैं ही नहीं, तो कैसे वो कम्युनिटी बनेगी? तो स्टूडेंट्स, कम्युनिटी बनने के लिए हमें लोकेलिटी के साथ साथ उस एरिया पे रहने वाले लोग भी चाहिए। बट इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इफ़ देयर विल बी नो इंडिविजुअल, नो कम्युनिटी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। Therefore, for constituting a community or for coming a community into existence, the first very essential is also that there must be some people, group of individual. Community is basically a group of individual who come together for serving together. जो इकट्ठे आते हैं इकट्ठे सर्व करने के लिए। तो आई होप आपको दो essential पता चले गए होंगे, first definite locality, second collection of individual. थर्ड वन जो आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो, बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है वो टर्म पॉइंट, दैट इज वी फीलिंग, दैट इज वी फीलिंग। देखो कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी लोगों का समूह है, ठीक है, पर कौन से लोगों का समूह है? ये उन लोगों का समूह है जिनके अंदर आपस में वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, जो इकट्ठे काम करते हैं, मैं की भावना नहीं होती, हम की भावना होती है, इकट्ठे काम करते हैं, हम हिंदू या हम क्रिश्चियन या हम मुस्लिम या हम पारसी, उनके अंदर एक हम की भावना होती है, हम शेड्यूल्ड कास्ट पीपल, हम शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, हम शर्मा पीपल। तो बोलने मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी में के लोगों में हमेशा बी फीलिंग होती है। बी फीलिंग मतलब क्या हुआ इनका, बी फीलिंग का मतलब कि लोगों के एक जैसे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और लोगों के एक जैसे कॉमन फीलिंग्स होती हैं, कॉमन फीलिंग्स होती हैं और लोगों की एक जैसी कॉमन गोल होते हैं, कॉमन एम होते हैं, गोल जी होते हैं, कॉमन गोल होते हैं। तो आपको समझ आया होगा तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने आपको, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हमारी कम्युनिटी है उनके लोगों के अंदर एक वी फीलिंग होती है। कम्युनिटी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और कैसे इंडिविजुअल्स की ग्रुप है ये, जिनके अंदर बी फीलिंग होती है, जिनके अंदर हम की भावना होती है, और अगर हम की भावना ना हो तो वो कम्युनिटी नहीं बन पाएगी। तीन पॉइंट आई होप आपको क्लियर होंगे। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो, नेचुरल। देखो जो कम्युनिटी होती है वो नेचुरली बनती है, वो अपने आप बनती है, उसे कोई बनाता नहीं है। जो लोग हिंदू धर्म के होंगे वो ऑब्वियसली अपनी हिंदू कम्युनिटी को फॉलो करेंगे, किसी को बोला नहीं कि हम अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, वो तो खुद हिंदू पैदा हुए ना, वो तो खुद मुस्लिम पैदा हुए ना। जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो नेचुरली क्रिएट होगी, जो मुस्लिम होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, जो हिंदू होगा वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो वो नेचुरली क्रिएट हो जाएगी, उसे कोई बनाएगा नहीं, वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी, अपने आप बन जाएगी। तो ये बड़ा इसेंशियल एलिमेंट है हमारे कम्युनिटी का कि कम्युनिटी नेचुरली अपने आप बन जाती है, विदाउट आर्टिफिशियल प्रोसेस। ये आर्टिफिशियल एंटिटी नहीं है, ये अपने आप बन जाती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लोग हैं, 50 लोग में से 3 लोग हिंदू हैं, 10 लोग मुस्लिम हैं और बाकी सभी क्रिश्चियन हैं। जब वो पैदा हुए थे उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपनी कम्युनिटी बना लेता हूँ, मैं हिंदुओं के साथ मिल जाता हूँ, मैं मुसलमानों के साथ मिल, नहीं, अपने आप बन गई। जो हिंदू के थे वो हिंदू ही कम्युनिटी बन गई, जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम कम्युनिटी बन गई, और जो क्रिश्चियन थे वो क्रिश्चियन की कम्युनिटी में आ गए। तो ये अपने आप नेचुरली बन जाती है, कोई इसको बनाता नहीं, कोई इसको खुद क्रिएट नहीं करता। तो नेचुरल इज़ वेरी वेरी इसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्म कम्युनिटी। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, पाँचवें पॉइंट की बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आप इसमें लिख सकते हो साइज ऑफ कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी का साइज कितना होगा। देखो कुछ कम्युनिटीज हैं वो स्मॉल होती हैं, सम कम्युनिटीज कैन बी स्मॉल इन द साइज एंड अदर कैन बी लार्ज। इंडिया में देखा जाए
कुछ मुस्लिम मेजोरिटी में लोग किसी एरिया में पाए जाते हैं तो वो लार्ज साइज़ की कम्युनिटी मान ली जाएगी, या कुछ एरिया में मुस्लिम कम पाए जाते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी कम साइज़ की कम्युनिटी मान ली जाएगी। इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है तो हिंदू लार्ज कम्युनिटी है, जो पारसी और जैन है वो माइनॉरिटी में है तो वो एक स्मॉल कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 5-6 दोस्त हैं, फ्रेंड है, 5-6 इकट्ठे फ्रेंड हैं, एक ही धर्म के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी होगी, छोटी कम्युनिटी है, 5-6 लोग छोटी सी कम्युनिटी बनाएंगे। लेकिन अगर हिंदू धर्म है, पूरे इंडिया में कितने लोग हैं देखो आप, करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी। तो बोलने मतलब क्या हुआ, अगर मैं साइज की बात करूँ तो कम्युनिटी स्मॉल साइज की भी हो सकती है और एक लार्ज साइज की भी हो सकती है। आगे आप इसमें यह लिख सकते हो, कि जो कम्युनिटी है सिमिलैरिटी अमंग मेंबर्स कम्युनिटी में क्या होता है, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है, वो एक दूसरे के लिए सिमिलर होते हैं, उनके अंदर वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। अगर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं मतलब वो सिमिलर होते हैं आपस में एक दूसरे के, हिंदू कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के लिए सिमिलर होगी, मुस्लिम कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के लिए सिमिलर होगी। तो कम्युनिटी होती है वो उसके मेंबर सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। हिंदू कम्युनिटी में हिंदू ही तो होंगे, सिमिलर हैं सारे, मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम तो होंगे, सिमिलर हैं सारे, क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्रिश्चियन तो होंगे, क्रिश्चियन सिमिलर हैं सारे एक दूसरे के लिए। तो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, अलग नहीं होते। दिस इज़ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कम्युनिटी की। तो आई होप आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी। इसके अलावा आप 7th पॉइंट ये लिख सकते हो, 7th पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि जो कम्युनिटी है उसका एक पर्टिकुलर नेम भी होता है, पर्टिकुलर नेम, कम्युनिटी का पर्टिकुलर नेम होता है। जो कम्युनिटी बनती है हर एक कम्युनिटी का कोई ना कोई नाम होगा, सिख कम्युनिटी नेम है, हिंदू कम्युनिटी नेम है, मुस्लिम कम्युनिटी नेम है, SC ST कम्युनिटी नेम है। व्हाट डज इट मीन, कि हर एक कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नेम होगा और उस पर्टिकुलर नेम से ही वो जानी जाती है, उस पर्टिकुलर नेम से उसका पता चलता है। एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन नेम एंड दैट नेम रिप्रेजेंट द मेंबर्स हु आर द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, द पीपल हु आर मेंबर ऑफ कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल हिंदू कम्युनिटी विल डेफिनेटली वी इफ़ वी लिसन हिंदू कम्युनिटी कम टू नाउ दैट इन दिस कम्युनिटी द पीपल्स आर फ्रॉम हिंदू रिलीजन। इफ वी लिसन मुस्लिम कम्युनिटी वी थिंक फर्स्टली दैट दिस कम्युनिटी कंसिस्ट मुस्लिम पीपल। तो जो कम्युनिटी होती है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी, और उसी नेम से ये पता चल जाता है कि इस कम्युनिटी में लोग कैसे होंगे, किस धर्म से होंगे, किस जाति से होंगे, या उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं तो वो कौन से लोग होंगे। तो आपको आई होप ये 7th पॉइंट क्लियर हुआ होगा, पर्टिकुलर नेम। इसके बाद 8th पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, परमानेंट। देखो कम्युनिटी हमेशा परमानेंट होती है, टेम्प्ररी हो ही नहीं सकती। कम्युनिटी जो बन जाती है वो परमानेंट रहती है। अगर मैं हिंदुओं में पैदा हुआ तो मैं हिंदू धर्म की कम्युनिटी में हूँगा, मैं परमानेंट अब हिंदू धर्म में रहूँगा, मेरी जो कम्युनिटी है वो परमानेंट बन चुकी है, मेरे से पहले एग्जिस्टेंस में थी, क्योंकि ये नेचुरली बनती है तो ये कभी टूटती नहीं, ये नेचुरली बनती है तो एग्जिस्टेंस में ही रहती है। देखो अगर मैं क्राउड की बात करूँ, तो ये क्राउड जो भीड़ होती है, मैं मोव की बात करूँ, मोव भीड़ होती है, क्राउड भीड़ होता है, या मैं एसोसिएशन की बात करूँ तो ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्प्ररी होते हैं। क्राउड कुछ भीड़ इकट्ठी हुई,
कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गई भीड़, क्राउड ख़त्म हो गया, मॉब लोग इकट्ठे हुए, बाद में बिखर गए, ख़त्म हो गया। लेकिन कम्युनिटी जो है वो परमानेंट रहती है, कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है वो आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी, परमानेंट रहेगी वो। सिख कम्युनिटी आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी। तो जो कम्युनिटी है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच एग्जिस्ट परमानेंटली। कम्युनिटी डज एग्जिस्ट परमानेंटली, इट इज़ नॉट टेम्प्ररी, इट इज़ नॉट टेम्प्ररी, नॉट फॉर अ टाइम बींग, इट इज़ अ परमानेंट ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ परमानेंट ग्रुप ऑफ पीपल। देयरफॉर वी कैन से कम्युनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम क्राउड, कम्युनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मॉब, बिकॉज दे आर टेम्प्ररी, दे आर टेम्प्ररी, बट कम्युनिटी इज अ परमानेंट, बट कम्युनिटी इज अ परमानेंट। तो अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम इसमें, नाइन्थ पॉइंट, नो लीगल स्टेटस, नो लीगल स्टेटस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि कम्युनिटी का कभी लीगल स्टेटस नहीं होता। कम्युनिटी जो है वो अपने नाम पर केस नहीं फाइल कर सकती, और ना तो कोई कम्युनिटी के नाम के पर केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं कभी केस नहीं फाइल सकता कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मैं केस फाइल करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। हाँ, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर कर सकते हो, पर कम्युनिटी के ऊपर आप एज ए होल केस फाइल नहीं कर सकते। इसका लीगल स्टेटस नहीं है, लोग नज़रों में कोई इसका स्टेटस नहीं है। अपने आप बनती है, परमानेंट रहती है, पर्टिकुलर नेम होता है, पर उसका लीगल स्टेटस नहीं है। अर्थात ना तो हम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं इस कम्युनिटी के ऊपर, ना ये कम्युनिटी हमारे ऊपर केस कर सकती है अपने नाम पर। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, जो इसके कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो केस कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल, कहीं पे क्या हुआ, दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के बीच। जो हिंदू धर्म के लोग थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से केस नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर मुस्लिम का जो व्यक्ति है जिसने गलत किया है उसके ऊपर केस कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी के ऊपर केस नहीं कर सकते। जिसने गलत किया उसके ऊपर केस कर सकते हैं। वैसे ही हिंदुओं के ऊपर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। जो हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा जिसने गलत किया उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उस व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर केस किया जा सकता है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी का लीगल स्टेटस नहीं होता। तो हमने 10 पॉइंट, 9 पॉइंट हमने पढ़े, जिसमें डेफिनेट लोकेलिटी पढ़ा, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ा, कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर हमने वी फीलिंग पढ़ा, लोगों के अंदर बी फीलिंग होती है, बी की भावना होती है, कम्युनिटी नेचुरल होती है, हमने ये पढ़ा, परमानेंट होती है कम्युनिटी, हमने ये पढ़ा, लीगल स्टेटस उसका कुछ नहीं होता, हमने ये पढ़ा, साइज कम्युनिटी का छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, हमने ये भी पढ़ा, और लोगों में सिमिलैरिटी होती है और कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर नेम होता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी, कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।